हेलो, मैं सर डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है इची टेस्टिकल्स। मैं आपको बताऊँगी कि आखिर क्या रीज़न होता है किसी पर्सन के स्क्रॉटल एरिया में या फिर जेनाइटल एरिया में उन्हें इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स और इसके कॉज क्या हो सकते हैं, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर टेस्टिकल्स में इचिंग होने का क्या मतलब है? जब भी आपकी स्किन में इरिटेशन होती है, आपको कोई इन्फेक्शन होता है, तो जेनाइटल एरिया की जो स्किन है उसमें आपको इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो जेनाइटल एरिया के आसपास आपको कभी भी अगर इचिंग सेंसेशन आता है, आपको खुजली होने लग जाती हो, तो उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कॉज है, अगर किसी पर्सन को जेनाइटल एरिया में उन्हें इरिटेशन हो रही है, तो इरिटेशन होने का आखिर क्या रीज़न हो सकता है? अगर किसी पर्सन की स्किन ड्राई है तो आपको वहाँ पे इरिटेशन हो सकती है। अगर आप बहुत ही वार्म या फिर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको जेनाइटल एरिया में इचिंग होने लग जाए, स्किन में ड्राइनेस होने लग जाए। इसके अलावा ऐसे लोगों को स्किन में रेडनेस भी हो सकती है, रैश भी हो सकता है, और कई बार ऐसे लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को जेनाइटल एरिया में फंगस ज़्यादा ग्रो होने लग जाए तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर गर्मी के टाइम में होता है या फिर बारिश का जो टाइम है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हो सकता है। इसमें ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को फंगल इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह में हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन में उन्हें बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, वाइट फ्लेकी स्किन हो सकती है। किसी भी पर्सन को अगर जेनाइटल एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसे कैंडिडियासिस भी आप कह सकते हैं। इसमें पर्सन को यूरिनेशन में पेन भी हो सकता है, उन्हें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, इसके अलावा जेनाइटल एरिया में उन्हें इचिंग, रेडनेस जैसी कंप्लेन, रैश जैसी कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर किसी पर्सन को स्क्रॉटल एरिया में इचिंग हो रही है, उन्हें इन्फेक्शन के वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि हर्पीस एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो लोगों में हो जाता है, जो सेक्सुअली एक्टिव लोग होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जेनाइटल हर्पीस एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें पर्सन को स्मॉल बम्स हो सकते हैं, जिसमें कई बार फ्लूइड भी हो सकता है। ये भी फैलने वाली बीमारी है। अगर किसी पर्सन के साथ आप सेक्सुअल या फिर फिज़िकल कांटेक्ट रखते हैं तो आपको भी ये डिज़ीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर्पीस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को जेनाइटल एरिया में स्मॉल बम्स होना, उसमें उन्हें कई बार इचिंग भी हो सकती है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि सबको इचिंग हो, कई सारे लोगों में इचिंग नहीं भी होती है। इसके अलावा हर्पीस में लोगों को बर्निंग सेंसेशन या फिर ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। जेनाइटल एरिया में इचिंग होने का और एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है स्केबीज़। अगर किसी पर्सन को स्केबीज़ इन्फेक्शन हुआ है तो उन्हें इचिंग हो सकती है, और ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर अगर किसी पर्सन को जेनाइटल एरिया में नाइट टाइम में इचिंग हो रही है तो उसमें स्केबीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप डायग्नोस कर सकते हो कि ये स्केबीज़ ही हो सकता है। उसमें इंटेंस इचिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा स्किन में बर्निंग सेंसेशन होता है, और ये भी फैलने वाली बीमारी है। अगर आपको हुई है तो आपके साथ जो पर्सन रह रहे हैं उनको भी हो सकता है। इसके अलावा स्किन में इचिंग होने का रीज़न जेनाइटल वॉट हो सकता है, कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी पर्सन को जेनाइटल एरिया में डर्माटाइटिस हुआ हो या फिर किसी भी तरीके की स्किन इन्फेक्शन हुई हो तो वहाँ पे भी आपको इचिंग हो सकती है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मेडिसिन जैसे कि आप पेट्रोलियम 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन ड्राई स्किन या फिर जिन्हें स्वेटिंग के वजह से ये कंडीशन हो रही है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एपिस मेलिफिका मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन के वजह से आपको स्किन में इचिंग हो रही है तब आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेपर सल्फ मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको किसी भी रीज़न के वजह से स्किन में इचिंग या फिर ड्राइनेस होती हो, जेनिटल एरिया की स्किन में प्रॉब्लम रहती हो, तो आप इन तीनों मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।